सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ, आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को बहुत ही कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया हम कंफ्यूजन है, बजाज प्लैटिना एज का ले या बजाज सिटी 110 ले, कौन सा बाइक अच्छा होगा, प्लीज़ आप एक बार बोल दीजिए। तो फाइनली मैं उस वीडियो लेकर आ चुका हूँ, आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ताकि इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के एंड में आपको सबको समझ में आ सके। उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों साइड में जाकर फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको उधर ही तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपम और आप देख रहे हैं आर के रूपम चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बाइक का इंजन के बारे में, तो प्लैटिना एज गियर में जो इंजन है वो आपको 150.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 EI टेक्नोलॉजी इंजन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको FI नहीं दिया है, FI के बदले जो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम आते हैं बजाज की तरफ से, वो आपको इस एज गियर में देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरह अगर हम बात करें सिटी के, तो सिटी में ही भी आपको सेम 150.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 EI टेक्नोलॉजी इंजन देखने को मिल जाएगा। तो इंजन के मामले में दोनों ही गाड़ी सेम है, और उस इंजन के पावर की अगर हम बात करें तो प्लैटिना में आपको देखने को मिल जाएगा 8.3 BHP का पावर @ 7000 RPM के साथ। टॉर्क आपको मिलेगा 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क @ 5000 RPM के साथ। दूसरी तरफ सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 8.6 BHP का पावर देखने को मिल जाएगा @ 7000 RPM के साथ, और टॉर्क आपको देखने को मिलेगा 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क @5000 RPM के साथ। तो अगर हम बात करें पावर के मामले में, जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा है सिटी में, क्योंकि इसमें आपको 8.6 BHP का पावर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको प्लैटिना में 8.3 BHP का पावर देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं इसका गियर फंक्शन के बारे में। दोस्तों, गियर फंक्शन आपको सिटी में देखने को मिल जाएगा 4-स्पीड गियर बॉक्स, और प्लैटिना एज गियर में देखने को मिल जाएगा 5th-स्पीड गियर बॉक्स। तो दोस्तों, इसका जो 5th नंबर गियर है वो आपको हाईवे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इस गियर को दिया गया है दोस्तों, इसलिए इस बाइक का जो नाम है वो एज गियर है। एज गियर मतलब आपको हाईवे गियर, हाईवे में ये गाड़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देगा इस गियर में। उसके साथ ही बात कर लेते इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिटी में आपको दोनों ही ब्रेक, मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक आपको ड्रम टाइप का देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्लैटिना में, तो प्लैटिना में आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है, तो इसके वजह से इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही साथ प्लैटिना में आपको देखने को मिल जाता है 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और रिजर्व टैंक कैपेसिटी 2 लीटर्स की। दूसरी तरफ सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी में आपको 10.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और रिजर्व टैंक वही आपको 2 लीटर्स की मिलता है। अगर हम बात करें इस बाइक का वेट के बारे में, सिटी में आपको 118 किलोग्राम्स की वेट देखने को मिल जाता, और प्लैटिना में थोड़ा आपको ज़्यादा वेट, मतलब 122 किलोग्राम्स की देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसका व्हील्स के बारे में। तो दोस्तों, दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड 17 इंच का व्हील साइज देखने को मिल जाएगा विथ अलॉय व्हील्स के साथ। और फाइनली बात करते हैं इसका टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों, ये बाइक आपको काफ़ी अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में। माइलेज भी आपको प्लैटिना एज गियर में जो इसका माइलेज है वो 74 किलोमीटर पर लीटर की देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बजाज सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा 104 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो माइलेज के मामले में सिटी 110 आगे निकल कर जाता है। और दोनों बाइक का अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो प्लैटिना एज गियर में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, दूसरी तरफ सिटी में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो इससे पता चलता है खड्डे खड्डे रास्ते में आपको प्लैटिना एज गियर ज़्यादा परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोनों बाइक का टायर साइज के बारे में। अगर हम बात करें प्लैटिना एज गियर में, तो इसमें आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा 80x100 की 7 इंच का ट्यूबलेस टायर, और रियर में आपको देखने को मिल जाएगा 80x100 की 70 इंच का ट्यूबलेस टायर। मतलब दोनों ही टायर आपको सेम ही दिया गया है, लेकिन इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ सिटी 110 की अगर हम बात करें, तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा 2.75 की 70 इंच का टायर, और दूसरी तरफ रियर में आपको देखने को मिल जाएगा 3.00 की 70 इंच का टायर। तो गाइस, ये बाइक में आपको ट्यूब टायर दिया गया है, और दूसरी तरफ प्लैटिना में आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है, तो इसके बेनिफिट में आपको प्लैटिना ही अच्छा होगा। दोस्तों, सिटी 110 में आपको फ्रंट में देखने
देखने को मिल जाएगा टेलीस्कोपिक फॉक्टाइज सस्पेंशन, वही आपको रियर सस्पेंशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा SAS सस्पेंशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्लैटिना की, प्लैटिना में आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फॉक्टाइज सस्पेंशन और रियर में आपको देखने को मिल जाएगा नाइट्रो गैस SAS सस्पेंशन। तो दोस्तों इसमें आपको नाइट्रो गैस SAS सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंशन के मामले में प्लैटिना एज गियर आगे निकल कर जाता है इसका रियर सस्पेंशन के मामले में। उसके साथ ही साथ बात कर लेते इसका मीटर कंसोल के बारे में, तो प्लैटिना एज गियर में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल और CT110 में आपको फुल्ली एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो बेसिक सा बाइक का इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है थे पहले वही देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्लैटिना एज गियर में आपको गियर मैनुअल का जो इंडिकेटर आता है वो देखने को मिल जाएगा। इससे आपको आसानी होगा आपका बाइक कौन सा गियर में चल रहे ये समझने के लिए। दोस्तों दोनों बाइक्स का बॉडी ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो प्लैटिना में आपको देख रहे होंगे आप टैंक में आपको प्लैटिना की एक 3D लोगो देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ सिटी में आपको वही पेंट जॉब के साथ इसका जो सिटी का लोगो है वो देखने को मिलता है। ओवरऑल बाइक का लुक्स की अगर हम बात करें दोनों बाइक का वो सबसे अलग है और इसका जो VS4 मॉडल था उससे काफ़ी अलग सा चेंज आपको, मतलब कुछ खास नहीं लेकिन कॉस्मेटिक जो चेंजेस है वो आपको दोनों बाइक में BS6 में देखने को मिल जाएगा। और लाइटिंग की अगर हम बात करें तो दोनों बाइक में आपको जिसका हेडलाइट है वो हैलोजन टाइप का देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको LED नहीं दिया गया है, लेकिन इसका ऊपर का जो DRL है दोनों बाइक में आपको सेम ही DRL देखने को मिल जाता है अभी BS6 में। अगर हम बात करें इसका टेल सेक्शन के बारे में तो टेल लाइट आपको पहले की तरह ही देखने को मिल जाएगा एनालॉग टाइप का, इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं है, मतलब हेडलाइट टेल लैंप और इंडिकेटर तीनों लाइट आपको हैलोजन टाइप का देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको LED का यूज नहीं करा है। सही साथ लास्ट और फाइनल बात करें तो दोनों बाइक का प्राइस के मामले में तो CT110 का जो प्राइस है वो आपको निकल के आता है 64,027 रुपीज़ जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बजाज प्लैटिना एज गियर की तो उसका प्राइस आपको निकल के आता है 74,904 रुपीज़ जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता की है। दोस्तों दोनों बाइक का प्राइस आपको काफ़ी अलग सा देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो सिटी का प्राइस है उससे काफ़ी 8,000 रुपीज़ ज़्यादा है प्लैटिना एज गियर का प्राइस। दोस्तों इसका ज़्यादा प्राइस क्यों है आप लोग जान गए होंगे, इसमें आपको बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू CT100 के मुकाबले। दोस्तों यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन बजाज प्लैटिना एज गियर और बजाज CT110 के बारे में। और मेरे ओपिनियन से मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपका बजट थोड़ा टाइट सा है तो आप प्लीज जा सकते हैं बजाज CT110 की तरफ, और दूसरी तरफ अगर आपका बजट एकदम ठीक ठाक है बढ़िया है तो प्लीज मैं आपको मेरे ओपिनियन से रिकमेंड करूंगा बजाज प्लैटिना एज गियर लेने के लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इसका जो प्राइस थोड़ा ज्यादा है वो तो मैं मान गया, लेकिन प्राइस के मामले में जो इसका जो चेंजेस है बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो बजाज प्लैटिना एज गियर, और टाइट सा प्राइस है तो CT110 ऑब्वियसली अच्छा बाइक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना मुझे सपोर्ट करने को, उसके साथ ही बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।